हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल। मेरा नाम सिद्धांत मिश्रा है, मैंने हिस्ट्री से एमए किया है और हिस्ट्री में मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा रुकनुद्दीन फिरोज से लेके रज़िया सुल्तान तक, जो दिल्ली की सल्तनत का क्या हाल रहा है हम उसके बारे में जानेंगे। ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है सल्तनतकालीन इतिहास की, उसी का ये छठा लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर्स में हम मोहम्मद गौरी से लेके इल्तुतमिश तक के सफ़र को तय कर चुके हैं और हमने जान लिया है किस तरह से सल्तनतकालीन इतिहास जो है वो आगे बढ़ रहा है। अभी हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इल्तुतमिश की किस तरह से मृत्यु हो जाती है अपने आखिरी अभियान में, और उससे पहले वो रज़िया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। किंतु रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश के बाद तुरंत बाद सिंहासन पर नहीं बैठ पाती। उसका कुछ कारण इस तरह से रहा है कि अब हम ये जो काल पढ़ेंगे ये षड्यंत्रों का काल कहलाएगा, क्योंकि हमने जब देखा था पिछले लेक्चर में कि किस तरह से इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन कर दिया है। अब हम देखेंगे कि ये चालीसा के जो सदस्य हैं ये इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं और ये अपने आप को किसी तरह से सुल्तान का निर्माता समझने लगे हैं कि ये आगे चल के बहुत सारे सुल्तानों को बिठाएंगे गद्दी पे और उनका वध करवाएंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। षड्यंत्रों की किस तरह से शुरुआत होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको, इल्तुतमिश अपने अंतिम अभियान के पहले अपना जो उत्तराधिकारी है वो रज़िया को नियुक्त कर देता है, लेकिन जो तुर्क कुलीन होते हैं, जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की, तो जितने भी तुर्क कुलीन होते हैं और इसमें से विशेषकर जो प्रांतीय अधिकारी होते हैं, जैसे इक्तेदार हैं बहुत सारे अलग अलग प्रांत के, ये उसके जो सबसे बड़ा जीवित बेटा होता है, अभी उसका एक जो बड़ा बेटा था नासिरुद्दीन महमूद, उसकी तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो जीवित सबसे बड़ा बेटा है उसको सिंहासन रूढ़ कर देते हैं, जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज। इसमें रुकनुद्दीन फिरोज की जो माँ है शाह तुर्कान, इसकी एक बहुत ही मुख्य भूमिका होती है। अब हम शाह तुर्कान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शाह तुर्कान जो है वो इल्तुतमिश की एक दासी थी जो उसकी पत्नी के रूप में आगे चल के उसकी पत्नी बन जाती है, और रुकनुद्दीन फिरोज इसी का पुत्र है। ये शाह तुर्कान बहुत ही महत्वाकांक्षी तरह की महिला है और ये अपने पुत्र को गद्दी पे बिठा देती है जितने भी तुर्क कुलीन हैं उनके साथ षड्यंत्र कर। तो ये 1236 से लेकर और 1266 तक का जो काल है ये दिल्ली के इतिहास में चालीसा के शासन के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं जो सुल्तान बैठेगा वो अयोग्य है और मुख्य रूप से जो शासन की बागडोर है वो चालीसा के जो सदस्य हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं उनके हाथ में चली जाती है। तो ये जो 30 वर्ष का जो समय काल है 1236 से 1266 के बीच, इसमें हम देखेंगे इल्तुतमिश के 5 वंशज सिंहासन पर बैठेंगे एक एक करके, और बाद में ये सारे एक एक करके मार दिए जाएंगे। सबसे पहले रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठता है मई 1236 में। हमने देखा था इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है अप्रैल 1236 में, 30 अप्रैल 1236। तो शाह तुर्कान के साथ जितने भी कुलीन वर्ग हैं वो षड्यंत्र करके रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पे बिठा देते हैं, और ये शासक बनने से पहले बदायूं और लाहौर का इक्तदार भी रह चुका है। और मिन्हाज इसके बारे में 3 गुण बताता है कि ये बहुत ही सरल स्वभाव का है, बहुत ही उदार हृदय का है और बहुत ही सुंदर आकृति का है, परंतु ये अयोग्य शासक सिद्ध होता है और जिसकी वजह से मस्खरे और जोकर इसके साथी बन जाते हैं, और इसको इसीलिए विलास प्रेमी जीव कहा जाने लग गया, क्योंकि ये केवल भोग विलासिता में व्यस्त हो जाता है और शासन की बागडोर को नज़रअंदाज कर देता है। जब क्योंकि ये शासन को नज़रअंदाज कर देता है और इसकी जो माँ शाह तुर्कान है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी तरह की महिला है, तो ये शाह तुर्कान शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेती है, और जब ये अपने हाथ में ले लेती है तो ये रज़िया की हत्या भी करवाने का प्रयत्न करती है मगर असफल हो जाती है। और ये हम सल्तनत इतिहास काल में पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि किसी महिला के अधीन, तुर्क का जो कुलीन वर्ग है वो किसी महिला के अधीन है। एक तरह से शासक तो रुकनुद्दीन फिरोजी है, परंतु शासन का जो असली जो बागडोर है वो शाह तुर्कान के हाथ में है।
तो ये रजिया की भी हत्या करवाने की प्रयत्न करती है और ये बहुत सारी और भी महिलाओं की हत्या करवा देती है जो इल्तुतमिश के रहनिवास में रहती थी। अब क्योंकि ये जो हमारा सुल्तान है ये अयोग्य है, तो जितने भी हमारे इक्तदार हैं, जैसे बदायूं का इक्तदार है मुइजुद्दीन मोहम्मद सलारी और हांसी का इक्तदार है सैफुद्दीन कूची, लाहौर में मलिक अलाउद्दीन जानी है और मुल्तान में कबीर खां अयाज है, ये सारे एक गुट बनाकर विद्रोह कर देते हैं सुल्तान के विरुद्ध। तो ये सारे के सारे जब गुट बना के विद्रोह करते हैं सुल्तान के विरुद्ध, तो सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज जो है इनका दमन करने के लिए दिल्ली से बाहर निकलता है। दिल्ली से बाहर कूच करता है तो जो इसका प्रधानमंत्री है मलिक जुनेदी, ये मलिक जुनेदी भी जाके विद्रोहियों से मिल जाता है और अपनी सेना को ले जाके विद्रोहियों के साथ मिल जाता है ये मलिक जुनेदी। और इसी बीच दिल्ली में जो रज़िया है, रज़िया को ऐसा मौका मिल जाता है, क्योंकि दिल्ली में सुल्तान नहीं है, उसकी सेना नहीं है, मुख्य अधिकारी नहीं है, तो रज़िया को ये मौका मिल जाता है और वो लाल वस्त्र धारण कर कर दिल्ली की जनता के सामने आ जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इल्तुतमिश के समय में न्याय पाने वाले को लाल वस्त्र धारण करना होता है, तो ये लाल वस्त्र इस बात का सूचक है कि उसको न्याय चाहिए। अब वो दिल्ली की जनता से न्याय मांगती है और कहती है कि आपके सुल्तान ने मुझे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन सिंहासन पे कोई और बैठ गया है। तो दिल्ली की जनता शाह तुर्कान को जाके बंदी बना लेती है और जब रुकनुद्दीन फिरोज वापस आता है विद्रोह से दमन करने जो गया होता है, जब वो दिल्ली वापस आता है तो उसको हालात बदले हुए मिलते हैं और उसको भी बंदी बनाकर उसकी हत्या करवा दी जाती है। तो इस तरह से रज़िया जो है वो सुल्तान बन जाती है और ये पहली महिला शासिका है सल्तनत काल की, और पहली और आखिरी भी यही है, इसके बाद कोई महिला शासिका नहीं आती सल्तनत काल इतिहास में। और ये पहला हमें ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है जिसमें सल्तनत की गद्दी पे बैठाने के लिए जनता भी उसमें सम्मिलित हो गई है और ये जनता के द्वारा गद्दी पे बैठाई गई है। अब हम जानते हैं रज़िया सुल्तान के बारे में, इसका पूरा नाम है जलालात उद्दीन रज़िया, इसका जन्म बदायूं में हुआ था और इसकी परवरिश इल्तुतमिश एक पुत्र की तरह करता है, इसको सभी तरह के गुणों से इसको प्रशिक्षण देता है, जैसे तलवारबाजी है, तीरंदाजी है, घुड़सवारी है, और ये बहुत ही योग्य महिला रहती है, तो इसलिए इसको अपने पुत्रों की जगह इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। जब वो ग्वालियर अभियान से लौट रहा होता है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ग्वालियर अभियान से जब इल्तुतमिश लौटता है तो उसके बाद इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है, क्योंकि जब वो ग्वालियर अभियान में जाता है तो इसको प्रशासन की बागडोर इसके हाथ में दे के जाता है और लौट के उसको लगता है कि इसने प्रशासन बहुत अच्छे से संभाला था। और जब ये लौट के आता है तो एक मुद्रा जारी करता है इल्तुतमिश, जिस पर अपने नाम के साथ साथ रज़िया का नाम भी अंकित करवाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे महत्वपूर्ण है तथ्य ये, कई बार पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने किस अभियान के बाद एक मुद्रा पे अपने नाम के साथ रज़िया का नाम भी अंकित कराया, तो हमको याद रखना है ग्वालियर अभियान के बाद ये अंकित करवाता है। रज़िया सुल्तान की एकमात्र उपाधि है उमदत उल निस्वा, ये हमें याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि उपाधियाँ मैंने बताई आपको, परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो रज़िया की एकमात्र उपाधि है उमदत उल निस्वा। अब इसकी प्रारंभिक समस्याएं क्या क्या हैं, जैसे ही ये शासन अपने हाथ में लेती है और सिंहासन रूढ़ होती है, तो सबसे पहले जो वजीर जुनेदी है ये इसके सिंहासन पे बैठने को अस्वीकार कर देता है, इसके राज्यारोहण को अस्वीकार कर देता है वजीर जुनेदी, और मुल्तान लाहौर हांसी और बदायूं ये चारों इक्तेदार भी इससे जाकर मिल जाते हैं, जो कि पहले ही हमने देखा था रुकनुद्दीन फिरोज के विरुद्ध खड़े थे। रज़िया क्या करती है, सबसे पहले अवध का एक इक्तेदार है मलिक तयासी, इसको बुलाती है अपनी सहायता के लिए कि वो आके इन विद्रोहों का दमन करे, लेकिन सैफुद्दीन कूची जो कि हाथी का इक्तेदार है सैफुद्दीन कूची, ये मलिक तयासी को रास्ते में ही बंदी बना लेता है, तो मदद पहुंच नहीं पाती रज़िया तक। अब रज़िया स्वयं दिल्ली के बाहर आती है और विद्रोह का दमन करने के लिए यमुना के किनारे एक शिविर लगाती है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि रज़िया की जो कुशलता है वो किस तरह से इस विद्रोह का दमन करती है, वो यहाँ पे कूटनीति का इस्तेमाल करती है, उसने विद्रोहियों में फूट डाल दी, फूट डाल देती है किस तरह से, जो
मुल्तान और बदायूं के इकतदार हैं, सलारी और कबीर खां अयाज। कबीर खां अयाज मुल्तान का है और सलारी जो है वो बदायूं का इकतदार है, तो इनको ये अपनी तरफ गुप्त रूप से मिला लेती है, मतलब चोरी छुपे इनको अपनी अपने गुट में मिला लेती है। और जब इनको अपने गुट में मिला लेती है उसके बाद फिर जो वज़ीर जुनेदी है और जो हाथी का इकतदार है, सबसे पहले हाथी के इकतदार को बंदी बना लिया जाता है। हाथी का जो इकतदार है सैफुद्दीन कूची, उसको बंदी बनाकर वध कर दिया जाता है। और वज़ीर जुनेदी जो है, जैसे मैंने आपको बहुत पहले तीसरे लेक्चर में बताया था कि वज़ीर जुनेदी जो है वो सिरमौर की पहाड़ियों में भाग जाता है, और ये सिरमौर की पहाड़ियों में जब भागता है इसके कुछ दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका शासन जो है रज़िया का यहाँ से एक तरह से शासन इसका गठित हो जाता है, और ये शासन का पुनर्गठन करती है कुछ इस तरह कि अब वज़ीर जुनेदी की जगह ये ख्वाजा मुजब्बुद्दीन को अपना वज़ीर नियुक्त करती है और इसको उपाधि देती है निदामुल मुल्क। तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि वज़ीर भी पूछे जाते हैं कि किस सुल्तान का कौन सा वज़ीर है, कभी मैच द फॉलोइंग में डाल देगा, एक तरफ सुल्तानों की सूची दे देगा और एक तरफ वज़ीरों का नाम देखे होंगे, आपको मैच करना होगा कि किस सुल्तान का कौन सा वज़ीर है। तो हमको याद रखना है कि ख्वाजा मुइजुद्दीन इसका नाम था और इसकी निजामुल मुल्क उपाधि थी, और हो सकता है कभी कभी वो निजामुल मुल्क भी दे एग्ज़ाम में। तो हमको याद रखना है कि निजामुल मुल्क और ख्वाजा मुइजुद्दीन एक ही आदमी है और ये रज़िया सुल्तान का वज़ीर है। इसके बाद ये कुतुबुद्दीन हसन गौरी को नायबे लश्कर के पद पर नियुक्त करती है। अब ये नायबे लश्कर का जो पद है ये सल्तनतकालीन इतिहास में अभी तक सृजन नहीं हुआ है इसका, और इसकी सूचना हमें प्रोफेसर हबीबुल्ला सर देते हैं। वो कहते हैं कि उनके अनुसार ये जो नायबे लश्कर का पद है ये इसका सृजन रज़िया नहीं किया था। तो ये एग्ज़ाम में कभी पूछा जा सकता है कि नायबे लश्कर का पद किस सुल्तान ने सृजन किया है, तो हमको याद रखना है कि रज़िया जो है इस पद का सृजन करती है और पहला अधिकारी इस पे कुतुबुद्दीन हसन गौरी है। इसके बाद ये इख्तियारुद्दीन ऐतगिन को अमीरे हाजिब और बदायूं का इक्तदार बनाती है। अब ये जो अधिकारी हैं ये चालीसा के ही दल के ही सदस्य हैं, और इसके अलावा याकूत को अमीर आखुर बनाती है। अब ये जो याकूत है ये एक गैर तुर्क है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था अमीर आखुर जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण पद हुआ करता था क्योंकि ये अश्वशाला का अधिकारी है, और इस पद पे इससे पहले याकूत के बैठने से पहले इस पद पे हमेशा तुर्क अधिकारी हुआ करते थे। तो जब ये याकूत को अमीर आखुर बना देती है तो जितने भी तुर्क अधिकारी हैं वो इससे रुष्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि जो महत्वपूर्ण पद है इससे जो जिस पे हमेशा तुर्क बैठा करते थे, किसी गैर तुर्क को उस पद पे बैठाने से तुर्कों की गरिमा को हानि होगी। लेकिन जो एल श्रीवास्तव साहब हैं वो ऐसा बोलते हैं, रज़िया ने गैर तुर्क को पद दिया क्योंकि वो तुर्कों का एकाधिकार खत्म करना चाहती थी। एल श्रीवास्तव एक इतिहासकार हैं, उनका ये मानना है कि रज़िया ने ये पद, ये जो इतना महत्वपूर्ण पद है, ये गैर तुर्क को इसीलिए दिया था क्योंकि वो चाहती थी कि तुर्कों का जो एकाधिकार बना हुआ है सल्तनत में, जो पदों पे एकाधिकार बना है वो उसको उसके महत्व को कम करना चाहती थी। वहीं पे जो सतीश चंद्रा महोदय हैं वो ऐसा नहीं मानते, वो इसके विरुद्ध बोलते हैं ऐसा हमको इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि रज़िया की कोई ऐसी नीति का ऐसा कुछ हिस्सा रहा हो। इसके अलावा अल्तूनिया जो है इसको ये भटिंडा का इक्तदार बनाती है, भटिंडा मतलब तबरिंद का इक्तदार बनाती है। तो हमसे कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रज़िया ने अल्तुनिया को किस पद पे नियुक्त किया, या फिर जो अमीर आखुर है रज़िया का अमीर आखुर कौन था, याकूत। तो हमको ये नाम याद रखने हैं क्योंकि आगे चल के एक बहुत बड़ा खेल का एक हिस्सा बनने वाले हैं। ये तीन नाम हमको याद रखने हैं, एक तो ऐतगिन है इख्तियारुद्दीन ऐतगिन जो कि बदायूं का इक्तदार है, दूसरा याकूत है जो कि आमिर आखुर है, और तीसरा अल्तुनिया है जो कि भटिंडे का इक्तदार है। अब हम इन तीन नाम और रज़िया, इन चार के साथ एक आगे चल के एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होगा जिसका ये तीनों हिस्सा हैं। अब जो अभियान करती है रज़िया और जो उसकी मंगोल नीति है उस पर एक नज़र डालते हैं हम। सबसे पहले तो ये क्या करती है कि जो महिला की पोशाक है वो नहीं पहनती, उसकी जगह ये कूबा और कुलाह पहनती है। कूबा क्या है, कूबा एक तरह का एक कोट है और कुला जो है वो पगड़ी है, तो मतलब ये एक मर्दाना पोशाक पहनती है।
जो पगड़ी है वो एकदम पुरुषों की तरह एक पगड़ी पहनती है, और कोट और नीचे पैजामा, तो ये इसकी पोशाक है। ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहती कि ये किसी भी तरह से महिला है और ये किसी भी तरह से कमज़ोर है। दोनों अभियान जो इसके होते हैं वो असफल हो जाते हैं रणथंभौर और ग्वालियर के। जब हमने देखा था इल्तुतमिश ने रणथंभौर का अभियान किया, तो रणथंभौर के जो चौहान थे उनको वो अपने अधीन करके उनको उनका किला वापस कर देता है और बोलता है कि आप दिल्ली के अधीन होकर शासन करें। लेकिन जैसे ही वो इल्तुतमिश की मृत्यु होती है और रुकनुद्दीन फिरोज का जो 6 माह का जो शासन है उसमें वो चौहान अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, तो ये अपना एक अभियान भेजती है रजिया सुल्तान रणथंभौर के विरुद्ध, लेकिन ये असफल हो जाता है और इसका ग्वालियर अभियान भी असफल हो जाता है। लेकिन इसको सबसे बड़ी सफलता मिलती है मंगोलों से दिल्ली की रक्षा करने में। वो कुछ इस तरह से कि मंगोल जो हैं वो कारलुक के बामियान पे अधिकार कर लेते हैं। जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था तो कारलुक जो है वो अभी अधिकारी है बामियान में, और मंगोल इस पे आके अधिकार जब करते हैं तो कारलुक जो है अपना एक पुत्र भेजता है रजिया के पास, और रजिया उसका स्वागत करती है और उसको, क्योंकि अब इसके पास कुछ कारलुक के पास बचा नहीं है भूमि वगैरह, तो इसको बरन की भूमि का जो कर है वो उसके व्यय के लिए दे देती है। लेकिन अपने पिता की तरह ही ये भी मंगोलों के विरुद्ध गुट बनाने से इनकार कर देती है, और ये इसको मना कर देती है कि मतलब ये एक मदद मांगता है कि मंगोलों के विरुद्ध सल्तनत से इसको मदद मिल सके मंगबरनी का जो अधिकारी है कारलुक। लेकिन जैसे मंगबरनी को इल्तुतमिश ने मना कर दिया था उसी तरह कारलुक को रजिया मना कर देती है मंगोलों के विरुद्ध कोई भी गुट बनाने से, जिससे दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो मंगोलों का खतरा है वो कुछ समय के लिए टल जाता है। तो हमसे एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है कि हसन कारलुक ने किस सुल्तान से मदद मांगी थी मंगोलों के विरुद्ध, या मंगबरनी ने किस सुल्तान से मदद मांगी थी मंगोलों के विरुद्ध। तो हमको याद रखना है कि मंगबरनी इल्तुतमिश के समय था और हसन कारलुक रजिया सुल्तान के समय में है। तो ये जिस तरह से ये मना कर देती है और उसको कारलुक को भी इतना बेइज्जत नहीं करती क्योंकि उसको बरन का भूमि कर दे ही देती है, तो ये इसकी राजनीतिक दूरदर्शिता दर्शाता है। अब इसके समय में जो विद्रोह हुए और अंत में इसका जो पतन हुआ हम उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। लाहौर का इक्तेदार है अयाज, कबीर खां अयाज, ये सबसे पहले विद्रोह कर देता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले से पिछली स्लाइड में, एतकिन अल्तुनिया का हमको नाम याद रखना है, तो ये भी इस षड्यंत्र में इसके साथ शामिल हो जाते हैं, एतकिन अल्तुनिया और अयाज। अब अल्तुनिया जो है जो तबरिंद का इक्तेदार है बठिंडा का, ये वहाँ पे विद्रोह कर देता है तबरिंद में। तो रजिया जब इस विद्रोह का दमन करने जाती है तो अल्तुनिया याकूत की हत्या करवा देता है जो कि आमिर आखुर है, इसकी हत्या कराकर रजिया को बंदी बना लेता है। और उधर दिल्ली में एतकिन के नेतृत्व में जितने अमीर हैं वो बहराम शाह को गद्दी पे बिठा देते हैं। जो बहराम शाह है ये इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र है। अब हम इस याकूत के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। याकूत और रजिया के संबंधों के बारे में कुछ बाद के जो इतिहासकार हैं जैसे इसामी हैं फरिश्ता हैं, ये कुछ टिप्पणी करते हैं कि इनके जो रिश्ते थे वो कुछ आपत्तिजनक थे। और जबकि हमको जो समकालीन इतिहासकार है मिन्हाजुस सिराज जो उस समय जीवित था वो ऐसा कोई भी हमको सूचना नहीं देता। तो इसामी बोलता है कि ये जो अबसीनियन याकूत है इसके प्रति उसका चाव जो था वो अपराधात्मक था। हम देखेंगे आगे चल के इसामी औरतों के विरुद्ध बहुत सारी अन्य टिप्पणियां भी करता है, तो ये थोड़ा सा बस खाली इसलिए है कि इसामी ने किस इतिहासकार ने क्या बोला ये केवल उसको जानने के लिए है। अब ये बहराम शाह को जो गद्दी पे बिठा देते हैं, इल्तुतमिश का तीसरा बेटा है, और बहराम शाह को इस शर्त पे गद्दी पे बिठाया जाता है कि ये एक पद का सृजन करेगा जो है नायबे ममालिकात, और इस पे एतकिन को बिठाएगा। तो एतकिन को बिठाता है नायबे ममालिकात। अब ये नायबे ममालिकात जो है ये एक तरह से हम अगर देखें तो सुल्तान के नीचे ही बस एक अधिकारी है, और एक तरह से जो सल्तनत की जो बागडोर है वो सुल्तान के हाथ में ना होके नायबे ममालिकात के हाथ में आ जाती है।
और आपसे पूछा जा सकता है इस पद का सृजन कौन करता है, तो इस पद का सृजन है बहराम शाह करता है। और आखिरी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इस पद को बलबन ख़त्म कर देगा। इस पद को इतना ज़्यादा मजबूत बना दिया गया है, मतलब इसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, हर वो शक्ति है जो सुल्तान के पास है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक सुल्तान के नीचे एक सुल्तान ही है। तो जिस तरह से इसको इस पद को मिल जाता है एतकिन को, वो इससे होता यह है कि अब जो अल्तुनिया है, जिसने सारी मेहनत की है, उसने वहाँ पे विद्रोह किया और उसी ने रज़िया को बंदी बना के रखा हुआ है और उसी ने याकूत की हत्या भी की है, उसको कुछ मिलता नहीं है। तो एतकिन, अब ये एतकिन जो है, ये जब नायबे ममालिकात बन जाता है तो बहुत सारे ऐसे कार्य करने लगता है जिससे सुल्तान रुष्ट हो जाता है। बहुत सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले लेता है ये और बहुत सारे अधिकारों को इस्तेमाल करने लगता है। तो सुल्तान बहराम शाह इसकी हत्या करवा देता है। और अल्तुनिया के हाथ क्योंकि निराशा लगी होती है, तो इस मौके का फ़ायदा उठा के रज़िया उससे विवाह कर लेती है अल्तुनिया से। तो अल्तुनिया से विवाह करके अल्तुनिया जो है और रज़िया सुल्तान, ये दोनों खोखरों, जाटों और राजपूतों, अब क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत से तो दूर हैं, तो दिल्ली की सेना तो इनके साथ नहीं है, तो ये खोखरों, जाटों और राजपूतों की सेना बनाते हैं और दिल्ली पे धावा बोल देते हैं। 1240 में, 1240 में जब ये दिल्ली पे धावा बोलते हैं तो बहराम शाह जो है ये अल्तुनिया और रज़िया दोनों को ही परास्त कर देता है। और 1240 में कैथल नाम की एक जगह है दिल्ली के पास, कैथल नाम की जगह पे डाकू जो होते हैं वो इन दोनों की हत्या कर देते हैं। तो इस तरह से रज़िया सुल्तान का जो राजनीति है, राजनीति यात्रा है, यहाँ पे आके समाप्त हो जाती है और बहराम शाह जो है वो गद्दी पे काबिज हो जाता है, जो कि एक रक्त पिपासु सुल्तान है। हमने देखा उसने भी एतकिन की हत्या करवा दी। आगे जब हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाएंगे सीरीज़ को, तो हम बहराम शाह के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम रज़िया का अगर मूल्यांकन करें तो इसने 3 वर्ष और 6 महीने का शासन किया है और इसके पतन का प्रमुख कारण रहा है चालीसा की महत्वाकांक्षा। जैसा कि हमने देखा, बहुत सारे अधिकारी हैं, एतकिन, अल्तुनिया, कबीर खान अयाज, अलाउद्दीन जानी, जुनैदी, ये सब इसके विरुद्ध खड़े हैं। वो विरुद्ध इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो चाहते थे रज़िया उनके हाथों की कठपुतली बनकर रहे, जो कि उसने अस्वीकार कर दिया। रज़िया ने उनके हाथों की कठपुतली बनना अस्वीकार कर दिया, इसकी वजह से वो उसके विरुद्ध हो गए और वही उसके पतन का अंतिम में कारण बन गया। रज़िया का अगर हम मूल्यांकन करें तो देखते हैं कि वो एक वीर सैनिक थी, एक सेना नायक थी और एक कुशल प्रशासक थी। और जितने भी इल्तुतमिश के जितने भी पुत्र और पुत्री थे, उसमें वो सबसे योग्य साबित होती है। जैसा कि इल्तुतमिश अपने वज़ीर को बोलता है कि आने वाला वक्त तुमको ये बता देगा कि मेरे जितने भी पुत्र और पुत्री हैं, उसमें सबसे योग्य शासक रज़िया ही है। अब मिन्हाज इसके ऊपर एक पंक्ति बोलता है, वो बोलता है, इसकी बहुत प्रशंसा करता है, बोलता है ये महान शासक थी, बुद्धिमान और ईमानदार भी थी, उसमें वो सभी गुण थे जो एक राजा में होने चाहिए। ये बहुत सारी प्रशंसा करता है, बोलता है सब सारे गुण थे जो होने चाहिए, सब कुछ था, लेकिन ये गुण उसके किस काम के, जब एक स्त्री के रूप में वो पैदा हुई थी। तो वो ये बताता है कि उसका स्त्री होना उसके सभी गुणों पर भारी पड़ गया। ये दर्शाता है कि जो सल्तनतकालीन जो वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, जो तुर्क वर्ग है, जो शासकीय वर्ग है, जो उच्च श्रेणी का जो वर्ग है, वहाँ पे स्त्रियों को किस दशा से देखा जाता था। मतलब वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि एक स्त्री शासिका के रूप में बैठ के उनके ऊपर शासन करे। तो ये जो उसकी अंतिम पंक्ति है वो यही दर्शाती है मिन्हाज की, कि ये गुण उसके किस काम के थे। हालांकि इतनी बड़ी गुणवत्ता महिला थी, लेकिन ये गुण उसके किसी काम नहीं आए क्योंकि अंत में वो थी तो एक स्त्री ही। उसी जगह एक और इतिहासकार हैं इसामी, जो इसके 100 साल के बाद करीब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, वो भी उसके ऊपर एक टिप्पणी करते हैं कि एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकती। मतलब ये भी यही मानता है कि एक महिला जो है वो अच्छी शासिका नहीं बन सकती और वो अपने दायित्व को निभा नहीं सकती। और वो एक कदम और आगे बढ़ के एक चीज़ बोलता है कि उसे सिंहासन पे बैठने की जगह घर पे बैठ के चरखा संभालना चाहिए था। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि औरत को जो है वो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए,
वो तो और एकदम आगे जा रहा है, सिंहासन तो बहुत दूर की बात है। वो कहता है कि घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए और घर पे बैठ के चरखा चमालना चाहिए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, रज़िया सुल्तान तक का हमने इतिहास कवर कर लिया है, रुकनुद्दीन फिरोज से लेकर रज़िया सुल्तान। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले समय में सल्तनत कालीन इतिहास के और भी लेक्चर्स मिलते रहें। धन्यवाद।